मेरा नाम बिट्टू है, मैं भी आईटीओ से आई हूँ और भलोसा लोक शक्ति मंच से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग जब आए तो हमको तो आईटीओ पर 20 साल रहते हुए हो गए थे। मतलब हुआ इतना सुविधा था हमारे पास में, स्कूल थी हुआ, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं था। दरियागंज में स्कूल था और लोक कल्याण के पास स्कूल था, वहाँ बहुत सुविधा थी। सरकारी हॉस्पिटल भी थे, सब चीज़ का हुआ सुविधा थी। अपनी मतलब मार्केटें थी, बच्चे खुशहाल रहते थे, पढ़ते लिखते थे, अच्छा था हुआ बढ़िया। हम भी खुशहाल थे हुआ, जुग्गी थी वो खुशहाल थे। इसे कि जब हम लोग आए तो हुआ बहुत जंगल था, विकट जंगल था। सांप गेड़ू बिच्छू निकलते थे हुआ पर, राख ढेर से उड़ाई रहती थी, पैप डले रहते थे सीमेंट के। रोड का किनारा था ऐसे, उधर जमुना पुल था, झील थी उधर, मतलब जमुना झील थी तो उसमें पानी वानी मतलब चलता रहता था, पुल था, बच्चे खेलने वाले चले जाते थे। अच्छा हुआ से फिर जब हम लोग हुआ पर आए तो बहुत कूड़ा उड़ा रहता था, तो वो कूड़ा सफाई करते सारा 2-4 दिन हम लोग ढो ढो के सब हुआ लेके जाके जमुना के किनारे फेंका वो कूड़ा। फेंकने के बाद दुनिया भर की गंदगी थी, टट्टी फट्टी करते थे, और जब उसको साफ सफाई करके फिर थोड़ी सी झुग्गी डाल के फिर अपने बच्चे के यहाँ पड़ोस में 2-4 दिन और कोई पहले आ गए थे, उसी कूड़ा हुए डालते थे सब कोई, तो सफाई पर करते तो वो बोले कि बहू तुमने खाया पिया नहीं खाया पिया, तो हम कहा हमने नहीं खाया पिया, अब बनाएंगे खाएंगे। बोले नहीं, अब खाना उनके घर से आया तो हमारे बच्चे खा लिया, फिर हम सबको कहा हम बनाएंगे खाएंगे। फिर तिरपाल ला के, तिरपाल बाजार से खरीद के लाए, तिरपाल डाले वहाँ पर, या तिरपाल डाल के फिर धीरे 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 वो अपना उसी तिरपाल में रहने लग गए। रहने के बाद में यहाँ फिर हम लोग कहीं से मट्टी, जैसे जमुना पुल था ना, उसके नीचे से मट्टी खोद खोद के लेके आए। मट्टी खोद के लाए तो थोड़ी मट्टी की दीवार बनाई, और मट्टी की दीवार बनाने के बाद में यहाँ फिर धोबी घाट था हमारे पास में यहाँ, तो हमारे घर वाले की चिन्हा पड़ते था तो बोले थोड़ा सा ईंटा ले जाओ, तो जैसे मट्टी के बना रहे तो थोड़ा ईंटा लगा के बना लो। वो ईंटा ला के ऐसे चट्टा लगा दिए, चट्टा लगाने के बाद में वही पर एक तखत डाल दिए, वही तखत पे बच्चे लेटे बैठते थे, हम भी वही लेटते, और सब खुला था मैदान था। कभी साड़ी लगा लेते थे मांग के, मतलब कि चादर लगा लेते थे कि तुम दिखे ना। फिर उसके बाद में यहाँ धीरे 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 करते मतलब काफ़ी आबादी, 20 साल हो गए हमका सबका रहे, खूब अच्छी आबादी हो गई। पानी बिजली पक्का पानी आता था, बिजली भी थी वहाँ पर, यह स्कूल पास में यहाँ था, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं थी। फिर धीरे धीरे सरकार कहा था जब अच्छी जगह हो जाती तो सरकार की बड़ी बुरी नज़र पड़ने लग जाती है। सरकार ने देखा कि अब तो भैया ये अच्छा जम गए हमारे यहाँ, हमारे से सिला का सचिवालय सामने पकड़ता था बिल्कुल नहीं। अब वो बोली कि हमारे सामने ये कूड़ा कचरा रहेगा यहाँ पर, यहाँ ये कूड़ा कचरा का साफ कर दो जल्दी से यहाँ से। तो वही वाली हाल है कि हम लोग कूड़ा कचरा थे, इसलिए सरकार की बुरी नज़र पड़ गई कि कूड़ा कचरा है। फिर वो हुआ से कोई अडर नहीं आया हमारे यहाँ का कि हाँ मतलब यहाँ से झुग्गी हटाई गई है या ना हटाई गई है, कुछ अडर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या हुआ, वहाँ के प्रधान दल्ले थे, प्रधान उनकी जेब भर गई, सर्वे वाले आए, सर्वे किए, सर्वे में पकड़े गए किसी से जिनका जे घर पे रहते थे उनका, चलो खुला था सर्वे कर ले गए, जिनका बंद था वो लोग लिख के ले गए। अब जब जे शाम गए यहाँ उनको पता चला कि सर्वे वाले आए थे, सर्वे करके चले गए, हमारा लोग लिख के चले गए, वो भागे हुआ दफ्तर में ही, आईटीओ पर दफ्तर में भागे। वो जब हुआ भागे, हुआ DDO का मतलब MCD का 2 दफ्तर है, और जब हुआ भागे तो हुआ कोई से 2000 रुपया मांगे, कोई से 3000 रुपया मांगे कि इतना दोगे तब लोग खुलेगा। ऐसे सर्वे करने वाले हमारे बस्ती में यहाँ आए, सर्वे करते करते कम से कम ने 70,000 रुपया पकड़े गए उनके, 70,000 रुपया पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो भैया उनकी काफ़ी मरम्मत भाई, पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए, बंद कर दिए। अब ऐसे ऐसे रहते रहते फिर अडर हमारे यहाँ का अडर नहीं आया, आया था हुआ के उत्तम नगर के, गौतम नगर के, और फिर झुग्गी का अडर हमारे प्रधान ने क्या किया, 25,000 रुपया उनके जेब भर गए उनके। वो लड्डू खूब बांटे, लड्डू बांटे कि हमारी बस्ती टूट जाएगी। तो हम जो अच्छे लोग थे वो कहने लगे कि भाई नोटिस आई नहीं, झुग्गी टूटेगी कैसे टूटेगी। फिर उसके बाद में यहाँ सब कोई इकट्ठा मीटिंग हुआ सब एडमिन के, बोले कि ऐसे कैसे झुग्गी टूट जाएगी, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं आया है। बोले नहीं नोटिस आई है तो उसमें लिखा था मतलब गौतम नगर का, और ये गौतमपुरी टूट गई। तो प्रधान ने क्या किया, अपने पहले मकान तोड़ना चालू कर दिया, मकान अपने तोड़ना चालू कर दिया। और जब हमारे घर के आदमी सुने कि हाँ अब झुग्गी टूट जाएंगी, फिर दौड़े गए मतलब DDO दफ्तर से, यहाँ वहाँ आई टी ओ गए, तो वहाँ बोले कि मतलब आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, आप भरोसा में यहाँ पूरी सुविधा देती है आपके यहाँ,
वहाँ पर तुम्हारी डाल के देंगे तुम भरा करके देंगे, आपको बिजली मुहैया करेंगे, पानी मुहैया करेंगे, बस लगवा देंगे, स्कूल बना के दे देंगे, आप बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग कहा एक बार हमारे घर के आदमी देख तो आए, बोले देखने कोई जरूरत नहीं है, जब आपका सामान जाएगा तो आप लोग देख लेना वहाँ पर। आप जब झुग्गी टूट गई हम तो भैया बड़े रोए, और उसी दीवार गिर गई तो हमारी पड़ोस की लड़की खत्म हो गई उसी में, और परेशानी हो गई। अब जब गाड़ी में सामान भर भर के आया हिया गई है, और जब देखा तो विकट जंगल लगा, अपना अपना पानी भरा खेतन में है, खेतन में पानी भरा विकट जंगल लगा। हम लोग बहुत हम कहा कि अब क्या करें, बच्चे शान हमारे सबके पास में है, लड़की लड़की बहुवन का साथ था। फिर आगे यहाँ कीकड़ लगे हैं गुरुद्वारे के पास में, वहाँ झुग्गी डाला गया, झुग्गी डाला तो उसी में यहाँ कम से कम नहीं एक एक डेढ़ साल वहाँ पर यहाँ रहा सब कोई। उसके बाद वो चूना छिड़क गई है, चार घर का आंगन दे दिए हमका सबका। और जब बोले कि अपने अपने प्लॉट में यहाँ सब कोई बैठ जाओ, तो जब हम सब कोई देखने गए तो हम कह रहे इमा कैसे रहेंगे हम सब कोई, ये है कैसा बना हुआ, हमने कभी देखा ही नहीं चार घर का आंगन, तो हम कही बना कैसे, इमा कैसे रहेंगे हम सब कोई। अब भैया इतने पर यहाँ भैया भैया आ गए, पहले आई पी ओ पर हुआ थे तो रास्ता निकालो तभी तो हम लोग चल पाएंगे, नहीं कैसे चलेंगे। फिर काफी औरतन के जुटाव हुआ, कम से कम 100-150 आदमी औरत सब कोई जुटे हो, मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में यहाँ फिर ये केस डाला गया। जब केस डाला गया, केस से जब जीत के हासिल हुआ है तब ये गली बाई गली मकान दिए गए हैं। और जब यहाँ न्यू हम सबको जब 1.5 साल बाद प्लॉट मिले हमका सबका, तब जब खोदा जात रहा तो किसी का सर मिल रहा था, तो किसी का हाथ मिल रहा था, किसी का पैर मिल रहा था, हम कह रहे तो शमशान घाट इसमें कैसे रहेंगे। और जरा से इतना खोदने के बाद में पानी निकल गया बहुत ज्यादा ऊपर का, यहाँ पैर धरो तो उसमें इतना पैर घुस गया, हमका कैसे रहेंगे इसमें। तो इसमें एक मकान कतना इसमें नीचे न्यू डली हमारे ईटा लगे हुए हैं, एक मकान कतना जितना ऊपर बना है उतने नीचे हमारा न्यू ईट लगे हुए है, तब ये भरा हुआ है इसमें। हमारी सबकी कहानी बहुत गंभीर है।